So today we'll study clear today we'll study vector and scalar clear vector and scalar. So your physical quantity are divided into two parts. First part is the scalar and second part is the vector. First part is the scalar and second part is the vector. As a physical quantity, scalar quantities and vector quantities. So first one we decide what is scalar physical क्वांटिटी. पहले हमें ये डिफाइन करना है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर बाबू? पहले देखो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. तो देखो बाबू फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है. द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड अरे माइक ऑफ करो यार तुम लोग बार बार एक ही बार 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 मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता. द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. यानी बाबू जिस क्वांटिटी को तुम मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, क्लियर, जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी. एग्जांपल लेंथ. यू कैन मेजर लेंथ में भी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर. मैं एक बार और बोल रहा हूं, अगर किसी की आवाज आई ना मैं यहां से रिमूव कर दूंगा, फिर पूरा घंटा तुम ऐड नहीं हो पाओगे. एक महीना होने वाला तुम्हें चलाना अभी तक नहीं आया क्या ये? दिस इज नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस. है ना, पढ़ना है तो आओ वरना घर रहो. अगली बार किसी की आवाज आई मैं यहां से हटा दूंगा उसको. आई विल रिमूव देम. सो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी. एग्जाम्पल लेंथ. लेंथ को मेजर करते हो तो क्या होता है? 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर. तो योर लेंथ में भी 1 मीटर 1 cm 2 किलोमीटर. तो यू कैन मेजर लेंथ. मास में भी 1 kg, मास में भी 2 kg, मास में भी 3 टन, कुछ भी हो सकता है. यस, यू कैन मेजर टाइम में भी 1 second 2 second 2 hour 40 मिनट. क्लियर? यू कैन मेजर फोर्स में भी 1 न्यूटन, फोर्स में भी 2 न्यूटन. क्लियर? सो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी. सो लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी. टेम्परेचर में भी 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? यू कैन मेजर टेम्परेचर. You can measure temperature. So the quantity which can be measured are called the physical quantity. Time, length, mass, force, temperature, area, volume. Area is also a physical quantity. Volume is also a physical quantity. Clear? Energy is also a physical quantity. You can measure energy. Clear? So the physical quantity which can be measured are called the quantity which can be measured are called the physical quantity. Is that okay? So what? So this is the definition of physical quantity. This is the definition of physical quantity. Now we will decide what are scalar quantities. So scalar quantities are quantities having magnitude only. यानी कि जिस physical quantity के पास खाली direction होगा, sorry, खाली magnitude होगा. अब देखो magnitude क्या होता है? Magnitude. ये समझना जरूरी है. Magnitude क्या होता है? इसे 5 kg बोल रहा हूँ. Mass is 5 kg. So mass is the physical quantity. Kg is the unit. Kg is the
unit, and this number 5 is the magnitude. क्लियर। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करोगे तो क्या होगा, 5 kg, 5 meter, 5 second। तो जो 5 है, जो नंबर है, फिगर है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। सो नंबर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। दूसरा एग्जांपल अगर मान लो कि लेंथ बोल दिया, तो लेंथ इज कॉल्ड टू 3 meter। सो लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी, एंड 3 इज द मैग्नीट्यूड, एंड मीटर इज द यूनिट। आ रही है बात समझ बाबू, आ रही है सबको, ये क्लियर हुआ सबको, लिखो। कर लिया बाबू, कर लिया, कर लिया, कर लिया ये सारा, गुड। चल बाबू, फिजिकल क्वांटिटी बोलो, बोलो। तो फिजिकल क्वांटिटी, लेट अस अस्यूम अदर फिजिकल क्वांटिटी, टाइम, टाइम इज कॉल्ड टू आवर। सो व्हाट, टाइम इज द फिजिकल क्वांटिटी हियर, एंड टू इज द मैग्नीट्यूड, एंड आवर इज द यूनिट। क्लियर। इफ फोर्स इज इक्वल टू 3 newton, तो फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी, 3 इज द मैग्नीट्यूड, एंड न्यूटन इज द यूनिट। अब क्लियर हुआ सबको, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ, मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्लियर, क्लियर सबको, मैग्नीट्यूड क्लियर, मैग्नीट्यूड क्या होता है क्लियर सबको, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है क्लियर सबको। सो नाउ विल डिफाइन स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। So the physical quantity having magnitude only, the physical quantity having magnitude only are called scalar physical quantity। तब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। दे हैव नॉट डायरेक्शन, दे हैव नॉट डायरेक्शन, मीन्स जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास खाली बाबू मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, उसको बोलते हैं स्केलर। जैसे कि मैं बोलूं कि इसका लेंथ बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ फाइंड करने के लिए क्या होगा, स्केल रख के इधर, क्लियर। इसका लेंथ क्या होगा, स्केल से करोगे ऐसे, क्लियर, और देख लोगे, तो तुम स्केल से ऐसे करके लेंथ फाइंड करो, इधर मूव करके, या इधर मूव करके, या इधर मूव करके, या ऐसे करके, या ऐसे करके, या ऐसे करके, द लेंथ विल बी सेम ना, द लेंथ विल बी सेम, यानी कि लेंथ इस मार्कर का लेंथ दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, ना किस डायरेक्शन में हो कि इसके लेंथ को मेजर कर रहे हो, इधर करो, इधर करो, इधर करो, इधर करो, रिजल्ट विल बी सेम। मतलब इसका लेंथ क्या होगा, 2 meter होगा, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें एग्जांपल में कर सकते हैं बाबू, लेंथ क्या है स्केलर क्वांटिटी। अब देखो दूसरा एग्जांपल, मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच,
क्लियर। तुम्हारे घड़ी में कितना बजा है तो तुम टाइम कैसे बताओगे, तुम ऐसे देख के बताओ, तुम इधर घूम के बताओ, रिजल्ट विल बी सेम। अगर 9 बजा तो इधर भी 9 बजेगा, इधर भी 9 बजेगा, इधर भी 9 बजेगा। टाइम देखने के लिए डायरेक्शन चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। मीन्स टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। और भी चीजें हैं जैसे कि मान लो, क्लियर, और भी चीजें जैसे कि मान लो टेम्परेचर की बात किया, कोई टेम्परेचर की बात करके टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो टेम्परेचर फाइंड करने के लिए क्या होगा, थर्मामीटर इधर इधर मूव करके देखो, या थर्मामीटर इधर मूव करके देखो, या थर्मामीटर इधर मूव करके देखो, रिजल्ट विल बी सेम। सो टेम्परेचर इज ऑल्सो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सो देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। सो स्केलर का मतलब क्या है बाबू, स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। क्लियर, क्लियर सबको, क्लियर 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 सबको। चलो देखो, कर लिया बाबू, कर लिया, डन डन कर लिया, ये गुड, जल्दी करो, जल्दी करो यार, इतना लेट करोगे। Means so what? Now vector. So vector are the physical quantity, the physical, the physical quantity having magnitude, the physical quantity having magnitude and direction. Clear? This physical quantity plus direction भी हो और magnitude भी हो, उसको क्या बोलेंगे, scalar physical quantity। जैसे sorry vector physical quantity जैसे force, so force is 3 newton। Clear? सब देखो, force क्या है, वो physical quantity है। और 3 क्या है, मैग्नीट्यूड है। और n क्या है बाबू, यूनिट है। अब बताओ फोर्स लगाया होगा, फोर्स लगाने का मतलब क्या है, कि मैं बोलूं कि मान लो कि कोई मैं यहां हूं, अब बोल रहा हूं कि मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई करो, मैं यहां खड़ा हूं, बोल रहा हूं मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई करो, तो दूसरा क्वेश्चन तुम पूछोगे कि किधर फोर्स अप्लाई करूं, इधर फोर्स अप्लाई करोगे तो इधर टच करूंगा, इधर पीछे से अप्लाई करोगे तो आगे जाऊंगा, और आगे से अप्लाई करोगे तो पीछे जाऊंगा। सो आई एम आस्किंग अप्लाई फोर्स ऑन मी, देन यू आस्क द सेकंड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन आई विल अप्लाई द फोर्स। जब भी फोर्स की बात आएगी, दूसरा क्वेश्चन साथ में आएगा कि तुम किस डायरेक्शन फोर्स लगवाना चाहते हो या किस डायरेक्शन फोर्स लगाना चाहते हो। मान लो कि कोई तुम्हारे घर में बेड है और उसको बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए पार्टिकुलर डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करोगे, ऐसे थोड़ी कि बेड को ऊपर उठाओगे और निकल जाएगा, नहीं ना। So if you want to apply a force, there should be a specific direction ना, यानी कि जब भी फोर्स की बात करोगे वहाँ डायरेक्शन क्या होगा, साथ में आएगा। क्लियर। मीन्स फोर्स इज हैविंग ऑल्सो दिस वन हैव डायरेक्शन, दैट्स व्हाई फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। और भी फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि एक्सेलरेशन, बताऊंगा मैं क्या करके, एक्सेलरेशन है बाबू, वेलोसिटी है। क्लियर। ये क्या है, सब स्केलर है, एस ऑल वेक्टर है, दे आर ऑल वेक्टर्स इन द क्वांटिटी। सो फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ऑल ऑफ देम आर वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड द वेक्टर्स, एंड द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड द स्केलर। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। कर लिया बाबू, कर लिया, कर लिया।
देखो बाबू, पिछले बात में मैंने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बाबू डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मान लो कि ऐसा कुछ रोड है, तुम ए पे हो, तुम्हें बी पे जाना है, तो अगर ऐसे जाओगे तो क्या होगा बाबू, ये डिस्टेंस हो जाएगा, और सीधा ऐसे जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डी सीधा डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरा क्या है बाबू, डिस्टेंस है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मान लो कि तुम यहाँ हो ए पे और तुम बी पे जाना चाहते हो, तो तुम्हें बहुत सारे तरीके, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, तुम ऐसे भी घूम के जा सकते हो बी पे, क्लियर। लेकिन अगर बोलो कि ऐसा रास्ता बनाओ जो शॉर्टेस्ट हो, जो शॉर्टेस्ट हो यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या करोगे, यहाँ से सीधा ज्वाइन कर दोगे और ये लाइन जो होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, और इसी को बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत है, और क्या होगा, इनिशियल और फाइनल को सीधा ज्वाइन कर देंगे, वो क्या होगा, लाइन डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन जरूरत है कि नहीं। गॉट माय पॉइंट, गॉट पॉइंट पॉइंट, क्लियर क्लियर, सबको ये क्लियर हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि दोनों को क्या करके ज्वाइन करोगे और जो लाइन होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, और ए से बी जाना है तुम्हें इसी डायरेक्शन में जाना होगा। दैट्स व्हाई यू डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये सब क्या होंगे, ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, क्लियर, ये भी डिस्टेंस होगा, और इनका देखो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन है, इधर से जा रहा है कोई, इधर से जा रहा है कोई, इधर से जा रहा है, ये भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। मीन्स योर डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इधर ओके, सो ये लिख लो, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस स्पीड एंड वेलोसिटी, क्लियर, ये सब कवर हो गया।